सख्त रवैया अपनाने को मजबूर न करें। 1 लाख इंजेक्शन रोजाना लगाई जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि थर्ड वेव को आने से हमें रोकना होगा। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, सिम्टम सिस्टम जो है फेल नहीं हुआ है। आपको बता दें मौजूदा सरकार से जनता को निराश, दिल्ली को पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मिले, ये बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली को 3 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। जो जिस तरीके से लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल वैक्सीन को लेकर आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं एक बार फिर से उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैक्सीन को मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को 3 करोड़ वैक्सीन की आवश्यकता है। साथ ही ऑक्सीजन को लेकर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि 1 लाख इंजेक्शन जो है वो हर रोज लगाए जा रहे हैं, यानी कि 1 लाख लोगों को वैक्सीन हर रोज लगाई जा रही है। दिल्ली को पूरी मात्रा में वैक्सीन मिले। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार से गुहार लगा रही हैं, लगातार केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं, तो वहीं एक बार फिर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को वैक्सीन पूरे मिले और 1 लाख इंजेक्शन हर रोज लगाए जा रहे हैं और दिल्ली को 3 करोड़ वैक्सीन की आवश्यकता है। और उन्होंने कहा कि दिल्ली को पूरी मात्रा में वैक्सीन मिले। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको देते हैं, लगातार सीएम केजरीवाल जो है वो ऑक्सीजन, वैक्सीन, इन तमाम चीजों को लेकर बातें कर रहे हैं। उन्होंने तीसरी लहर को लेकर भी यहां पर बात कही। उन्होंने कहा तीसरी लहर से वैक्सीन जो है हमें बचा सकती है। तो बड़ी जानकारी आपको देते हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम अरविंद केजरीवाल ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और मुद्दा वही कोरोना का था कि किस तरीके से कोरोना की रफ्तार को कम किया जाए, किस तरीके से जो तीसरी वेव है उसको आने से रोका जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अभी से तीसरी लहर की तैयारी करनी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तमाम विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर जो है उसका खतरा भारत पर लगातार मंडरा रहा है। तो ऐसे में सीधे तौर पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमें तीसरी लहर के लिए अभी से तैयार अपने आप को करना होगा।